उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड का लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने उत्तराखंड से दूरियां बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेसियों के उत्तराखंड की दूरियों को लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, इसलिए अभी तक किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने उत्तराखंड का दौरा नहीं किया है और ना ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक उत्तराखंड आ पाए हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी बयान दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला के बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भविष्यकर्ता हो गए हैं, जो कहेंगे वही होगा। कांग्रेस के पास न विजन है न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल और केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगुला व्यवहार करने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा? पहले अपनी कुंडली दिखा लें, उनकी कुंडली में क्या है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए, धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाली लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव में पराजित